90 के दशक से अब तक तब्बू ने अपने शानदार अभिनय और खूबसूरती के दम पर लोगों को अपना दीवाना बनाया हुआ है। वैसे इनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तो आप लोग सब कुछ जानते होंगे, लेकिन यहाँ हम आपको तब्बू की पर्सनल लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि तब्बू जैसी शरीफ सी दिखने वाली अभिनेत्री आखिर ऐसे काम कैसे कर सकती है। क्या आपको पता है कि राजेश खन्ना ने अपनी ही पत्नी डिंपल कपाड़िया को करोड़ों रुपए की से बेदखल करने के बाद लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया था, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि डिंपल कपाड़िया उनके शरीर की भूख को शांत नहीं कर पाई। आपको बता दें कि राजेश खन्ना ने अपनी पत्नी डिंपल कपाड़िया को सेक्सुअल डैमेज पेस तक बोल दिया था। यही कारण था कि उनका नाजायज रिश्ता बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों के साथ रहा। बॉलीवुड की बेहद खूबसूरत अभिनेत्री तबस्सुम फातिमा हाशमी उर्फ तब्बू को भला कौन नहीं जानता है। तब्बू ने फिल्म हम नौजवान से बाल अभिनेत्री के रूप में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नब्बे के दशक से अब तक तब्बू ने अपने शानदार अभिनय और खूबसूरती के दम पर लोगों को अपना दीवाना बनाया हुआ है। वैसे इनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तो आप लोग सब कुछ जानते होंगे, लेकिन यहाँ हम आपको तब्बू की पर्सनल लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि तब्बू जैसी शरीफ सी दिखने वाली अभिनेत्री आखिर ऐसे काम कैसे कर सकती है। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि अभिनेत्री तब्बू शबाना आजमी की भतीजी और फरार नाज की बहन है। 4 नवंबर 1971 में एक हैदराबादी मुस्लिम परिवार में जन्मी तब्बू ने वैसे तो अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1980 में आई फिल्म बाजार में एक छोटे से रोल के साथ की थी, लेकिन 14 साल की उम्र में हम नौजवान में देवानंद की बेटी का किरदार निभाने के बाद तब्बू को इंडस्ट्री में पहचान मिली। इसके बाद बतौर लीड एक्ट्रेस तब्बू ने सबसे पहले बोनी कपूर की फिल्म प्रेम साइन की। इस फिल्म में उनके साथ संजय कपूर लीड रोल में थे, लेकिन इस फिल्म को बनने में करीब 8 साल का समय लगा था। इस वजह से उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म पहला पहला प्यार रिलीज हो गई। इस फिल्म को करने के बाद तब्बू ने इंडस्ट्री में अपनी छाप छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने माचिस, काला पानी, अस्तित्व, चांदनी बार, मकबूल और हैदर जैसी कई शानदार फिल्मों में सराहनीय भूमिका निभाई। एक्ट्रेस तब्बू का नाम कई लोगों के साथ जुड़ चुका है, उन्होंने कई लोगों के साथ रिश्ता भी रखा है, लेकिन उनके रिश्ते का इतिहास यह साबित करता है कि वह रूढ़ियों में विश्वास नहीं करती। यही वजह है कि तब्बू 50 साल की उम्र में भी खुशहाल सिंगल लाइफ जी रही हैं। तब्बू कभी भी अपनी लाइफ के बारे में खुलकर सामने नहीं आई, लेकिन यह स्वीकार करती हैं कि उन्होंने अपने प्रेम पाठ को कठिन तरीके से सीखा है। तब्बू और संजय कपूर। तब्बू के जीवन का पहला अफेयर अभिनेता संजय कपूर के साथ था, जब दोनों ने फिल्म प्रेम में एक साथ अभिनय किया। इसी दौरान उन्होंने डेटिंग शुरू कर दी, लेकिन न जाने ऐसा क्या हुआ कि दोनों ने आपस में बातें करना बंद कर दी। इस बात की जानकारी आज तक किसी को नहीं हुई है। अपने कुछ समय के संबंध के बारे में बात करते हुए संजय ने एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि मैं उस समय तब्बू को शुरू में डेट कर रहा था, लेकिन इसके अंत तक हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। तब्बू और साजिद नाडियावाला। इसके बाद तब्बू के जीवन में निर्देशक निर्माता साजिद नाडियावाला ने कदम रखा। जब अफेयर शुरू हुआ तो साजिद अपनी पत्नी दिव्या भारती के जाने का गम झेल रहे थे। तब्बू साजिद को पत्नी के गम से उबारने में मदद कर रही थी। धीरे धीरे दोनों करीब होते गए, नजदीकियां बढ़ने लगी, लेकिन दोनों ने लंबे समय तक अपने रिश्ते को छुपाए रखा। हालांकि बाद में सच्चाई सबके सामने आ गई, ये रिश्ता भी कुछ ही दिनों तक चला, फिर दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। तब्बू और नागार्जुन। तब्बू के जीवन में तीसरे व्यक्ति ने उन्हें प्यार में बहुत सबक सिखाया, जिससे बहुत से लोगों को निपटने की हिम्मत नहीं है। यह थे साउथ स्टार अक्किनेनी नागार्जुन। नागार्जुन के साथ तब्बू का करीब 10 साल से अधिक समय तक अफेयर चला। तब्बू को डेट करने वाले नागार्जुन पहले से ही शादीशुदा थे, हालांकि दोनों ने इसके बारे में कभी खुलकर बात नहीं की। नागार्जुन के साथ रहने के 10 साल
साल से ज्यादा बिताने के बाद तब्बू को एहसास हुआ कि वह अपनी पत्नी को छोड़ने वाले नहीं हैं, तो फिर तब्बू ने खुद ही नागार्जुन से दूरियां बना ली। तब्बू का प्रेम जीवन काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है, लेकिन इससे उनकी भावना कभी नहीं टूटी। वह एक स्वतंत्र मजबूत महिला है और जो कुछ भी वह चाहती है उसे किए बगैर चैन से नहीं बैठती। तब्बू कभी पार्टी पर्सन नहीं रही है, वह अपना काम करती है और घर वापस चली जाती है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अगर कोई ऐसा है जिससे वह जुड़ाव महसूस करती है तो वह है अजय देवगन और फराह खान। वह कहती हैं कि फराह के घर में वह सबसे अच्छा महसूस करती हैं। तब्बू अजय देवगन के साथ एक बहुत ही खास बंधन साझा करती हैं। वे एक ही पड़ोस में एक साथ बड़े हुए हैं, लेकिन तब्बू अपनी शादी न करने के पीछे की वजह को भी अजय देवगन को ही मानती हैं, क्योंकि वह उन्हें किसी भी आदमी को धमकाने के लिए इस्तेमाल करती थी। एक इंटरव्यू में तब्बू ने कहा था, मैं अजय देवगन को 25 सालों से जानती हूँ। अजय मेरे कजिन समीर आर्या के पड़ोसी और क्लोज फ्रेंड हुआ करते थे। ऐसे में जब मैं छोटी थी तो ये दोनों मुझ पर कड़ी नजर रखते थे। कभी किसी लड़के को मुझसे बात करते देख लेते थे तो उसे पीट भी दिया करते थे। अजय और समीर दोनों बहुत बड़े गुंडे थे। अजय भी अब अपनी दोस्त तब्बू को शादी करते देखना चाहते हैं। तब्बू ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं हर दूसरे दिन अजय से कहती हूँ कि मेरे लिए सुटेबल लड़का ढूंढो। खैर मैं ये मजाक करती हूँ, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। सभी मेल एक्टर्स में से मेरे लिए अगर कोई मायने रखता है तो वो अजय है। वो आज भी बहुत प्रोटेक्टिव हैं। तो कुछ इस तरह से रही है एक्ट्रेस तब्बू की लाइफ। फिलहाल एक्ट्रेस 50 साल की उम्र में भी सिंगल ही है। वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। इतनी उम्र होने के बाद भी तब्बू की खूबसूरती का अभी भी कोई तोड़ नहीं है। इतनी बड़ी भीड़ का प्यार मैं रखूंगा कहां, मेरे हमदम मेरे दोस्त। इज्जतें शोहरतें उल्फतें चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं जहां हूं कल कोई और था, ये भी एक दौर है वो भी एक दौर था। दोस्तों सुपरस्टार राजेश खन्ना किसी पहचान के मोहताज नहीं है। लड़कियों के बीच उनकी दीवानगी इतनी ज्यादा थी कि उन्हें खून के खत लिखे जाते थे। और तो और कुछ लड़कियों ने तो उनकी फोटो से ही शादी कर ली थी। लेकिन क्या आपको पता है कि राजेश खन्ना ने अपनी ही पत्नी डिंपल कपाड़िया को करोड़ों रुपए की दौलत से बेदखल करने के बाद लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि डिंपल कपाड़िया उनके शरीर की भूख को शांत नहीं कर पाई। आपको बता दें कि राजेश खन्ना ने अपनी पत्नी डिंपल कपाड़िया को सेक्सुअल डैमेज पीस तक बोल दिया था। यही कारण था कि उनका नाजायज रिश्ता बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों के साथ रहा। इसके बावजूद भी उनकी पत्नी डिंपल कपाड़िया का प्यार कम नहीं हुआ और उन्होंने ही राजेश खन्ना के अंतिम दिनों में उनकी दिन रात सेवा की। आज हम आपको राजेश खन्ना से जुड़े ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग किस्से बताएंगे जिन्हें जानने के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि राजेश खन्ना जैसा शरीफ सा दिखने वाला इंसान आखिर इतना गंदा काम कैसे कर सकता है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना का पंजाब के अमृतसर शहर में जन्म हुआ था। उनका वास्तविक नाम जतिन खन्ना था, लेकिन उन्होंने अपने अंकल के कहने पर अपना नाम बदल लिया था। राजेश खन्ना ने कुल 180 फिल्मों और 163 फीचर फिल्मों में काम किया है। 128 फिल्मों में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई, जबकि 22 में दोहरी भूमिका निभाने के अलावा उन्होंने 17 छोटी फिल्मों में भी काम किया था। आपको बता दें कि राजेश खन्ना के जीवन में एक दौर ऐसा भी आया जब प्रशंसक उनसे इतना ज्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने राजेश खन्ना के नाम पर अपना नाम रखना शुरू कर दिया था। दरअसल हम बात कर रहे हैं 1969 से लेकर 1975 के बीच की। उस दौर में पैदा हुए ज्यादातर लड़कों का नाम राजेश रखा गया था। राजेश खन्ना को अभिनय स्कूल के जमाने से ही खूब भाता था और कॉलेज पहुंचते पहुंचते उनकी रुचि अभिनय के प्रति और भी ज्यादा बढ़ गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि राजेश खन्ना को उनके करीबी रिश्तेदारों ने पाला था, वो भी बड़े लाड़ प्यार के साथ। राजेश खन्ना को उन लोगों ने कभी भी परायापन महसूस नहीं होने दिया था। अभिनय के क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए उन्होंने फिल्म निर्माताओं के दफ्तरों के खूब चक्कर काटे हैं। साल 1966 में उनकी पहली प्रदर्शित फिल्म आखिरी खत रिलीज हुई थी, जिसमें उनके काम को सराहा गया था। हालांकि 3 साल बाद आराधना और दो रास्ते जैसी फिल्मों के सफल होने के बाद उनके करियर का ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हो गया था। सिने जगत के लोग राजेश खन्ना को प्यार से काका कहकर पुकारते थे। उन्होंने संघर्ष के दिनों में भी अपनी रहीशी को कम होने नहीं दिया। उस दौर में वो महंगी कार से फिल्म निर्माताओं के यहाँ जाया करते थे,
जब किसी के पास भी ऐसी कार नहीं हुआ करती थी। हालांकि फिल्म हिट होने के बाद उनके जीवन का संघर्ष कम हो गया और उन्हें सुपरस्टार माना जाने लगा। उन्हें लंबे समय तक लोकप्रियता नहीं मिली, लेकिन उनके जैसी लोकप्रियता किसी और ने कभी हासिल भी नहीं की। राजेश खन्ना के अभिनय को देखकर लड़कियां पागल हो जाती थी। उनकी एक झलक पाने के लिए लड़कियां बेचैन हुआ करती थी। महिलाओं में खास तौर पर अपनी खास जगह बना चुके राजेश खन्ना दरियादिल शख्स थे। कहते हैं कि लोगों की मदद करने में कभी पीछे नहीं रहे। जब राजेश खन्ना बहुत बड़े स्टार बन चुके थे, तभी उनकी मुलाकात इंडस्ट्री की उभरती हुई स्टार अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया से हुई। डिंपल उस दौरान युवावस्था में थी। राजेश खन्ना पहली ही नजर में डिंपल को दिल दे बैठी। वहीं डिंपल भी उनकी बड़ी फैन थी। डिंपल की पहली फिल्म बॉबी सुपरहिट हुई थी, जिससे राजेश काफी इम्प्रेस हुए थे। उस वक्त डिंपल ऋषि को डेट कर रही थी, लेकिन बहुत जल्द दोनों का ब्रेकअप हो गया। जब राजेश खन्ना को पता चला कि डिंपल का ब्रेकअप हो गया है, तो उन्होंने डिंपल को प्रपोज कर दिया। बता दें कि उस वक्त डिंपल की उम्र 16 साल तो राजेश खन्ना 31 साल के थे, लेकिन उम्र भी दोनों के प्यार के बीच बाधा नहीं बनी। डिंपल ने राजेश का प्रपोजल स्वीकार किया और जल्द ही दोनों ने शादी कर ली। राजेश खन्ना की अधिकांश फिल्में 70 के दशक के अंत और 80 के दशक की शुरुआत में बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष पर रही हैं, लेकिन समय के साथ साथ काका का स्टारडम भी फीका पड़ने लगा और फिर सुपरस्टार इस असफलता को संभाल नहीं सके, जिसके चलते वह गुस्सैल और शराबी हो गई। परिणाम ये हुआ कि उनका वैवाहिक जीवन टूटने के कगार पर पहुंच गया। लेकिन इसके बावजूद डिंपल उनके पक्ष में रही और कठिन दौर से गुजरने तक उनका समर्थन किया। लेकिन फिर जब समय आगे बढ़ा तो राजेश को इंडस्ट्री की उभरती हुई एक दूसरी अभिनेत्री टीना मुनीम से प्यार हो गया। अभिनेत्री ने काका के साथ 11 से अधिक फिल्मों में काम किया। टीना और राजेश खन्ना के रोमांस की खबरें फैलने लगी। इससे डिंपल काफी दुखी हुई और राजेश खन्ना से अलग हो गई। इसी बीच टीना अपनी आगे की पढ़ाई के लिए राजेश खन्ना को छोड़कर विदेश चली गई और जब वो वापस आई तो उन्होंने अनिल अंबानी से शादी कर ली। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राजेश खन्ना की लाइफ में एक समय ऐसा भी आया था जब वे पूरी तरह से अकेले हो गए थे। राजेश खन्ना के पास कोई काम नहीं था, यहाँ तक कि फैंस भी उन्हें भूल चुके थे। इसी अवसाद और अकेलेपन के दिनों में राजेश खन्ना अक्सर आनंद बख्शी से बात किया करते थे। 1985 में डिंपल कपाड़िया ने इंडिया टुडे को बताया था कि जिस दिन मैंने और राजेश ने शादी की, उस दिन हमारे घर में जीवन और खुशियां खत्म हो गई। हालांकि राजेश और डिंपल की जोड़ी अलग जरूर हो गई थी, लेकिन उन्होंने तलाक की कार्रवाई पूरी नहीं की थी। टीना की बार बार दी गई दलील पर भी काका ने अभिनेत्री को तलाक नहीं दिया, क्योंकि इससे उनकी दो बेटियां ट्विंकल खन्ना और रिकी खन्ना पर बुरा असर पड़ता, जिनके वह काफी करीब थे। राजेश खन्ना ने डिंपल का ब्रेकअप स्वीकार करते हुए कहा था, मैंने अपने पिछले ब्रेकअप से उबरने के लिए डिंपल से शादी की थी और इसके बाद अपनी तकलीफों से लड़ने के लिए टीना मुनीम के साथ रिलेशनशिप में रहा। जब टीना मुनीम राजेश को छोड़कर चली गई, तब राजेश और डिंपल भले ही एक दूसरे से अलग रह रहे थे, लेकिन दोनों में प्यार अभी भी बरकरार था। जीवन में तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद डिंपल और काका ने एक सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखा और हमेशा सामाजिक समारोह, राजनीतिक रैलियों और कई अन्य स्थानों पर एक साथ देखे गए। दोस्तों, 70 और 80 के दशक में अपनी सिंपल ब्यूटी से लोगों का दिल जीतने वाली अभिनेत्री मौसमी चटर्जी ने बॉलीवुड की उस विचारधारा को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया था, जिसमें कहा जाता है कि शादी के बाद अभिनेत्री सक्सेसफुल नहीं हो पाती हैं। मौसमी एक ऐसी अभिनेत्री थी जिन्हें अपने एक्सप्रेशन दिखाने के लिए नकली चीजों की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो अपने अभिनय को जीती थी और फिर जो उनका एक्सप्रेशन स्क्रीन पर आता था, वो वाकई लोगों के आंखों में आंसू ला देता था। 18-19 साल की उम्र में ऑन स्क्रीन माँ बनने से लेकर कैरेक्टर रोल तक में मौसमी ने अपने अभिनय का खूब जलवा बिखेरा। 26 अप्रैल 1955 को कोलकाता में जन्मी मौसमी का असली नाम इंदिरा चटर्जी है और ये नाम अभिनेत्री की बहन ने उन्हें दिया था। उनके पिता एक फौजी थे और उनकी माँ हाउसवाइफ थी। मौसमी बचपन से ही एक्टिंग की दीवानी थी। वो हमेशा से एक बेहतरीन अभिनेत्री बनना चाहती थी और वो बनी भी। मौसमी कोलकाता में जहाँ रहती थी, वहाँ कई फिल्म स्टूडियोज थे। एक दिन
मौसमी वहां से गुजर रही थी, तभी मौसमी पर उन दिनों के मशहूर फिल्म मेकर तरुण मजूमदार की नजर पड़ गई और उन्होंने उसी वक्त मौसमी को अपनी बंगाली फिल्म बालिका वधू के लिए चुन लिया। मौसमी चटर्जी जो बचपन से ही फिल्मों में काम करना चाह रही थी, आखिरकार उनका वह सपना 1967 में बालिका वधू से पूरा हुआ। जब मौसमी इस फिल्म में काम कर रही थी उस वक्त उन्होंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली थी। उनकी इस फिल्म में मौसमी के लाजवाब अभिनय ने लोगों को अपना कायल बना दिया था। फिल्म मेकर्स और डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्म में साइन करने के लिए बेताब थे, लेकिन अभिनेत्री के पिता नहीं चाहते थे कि मौसमी एक्टिंग करे। फिल्म बालिका वधू के बाद मौसमी का करियर आसमान ही छूने वाला था कि उनकी शादी हो गई। एक इंटरव्यू में मौसमी ने कहा था, बालिका वधू के बाद मेरे पास बंगाली फिल्मों की बाढ़ आ गई, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। हालांकि फिल्में मेरे भाग्य में थी। जब मैं 10वीं कक्षा में थी तब मेरी चाची डेथ बेड पर थी और वो चाहती थी कि वो मुझे शादीशुदा देखे, इसलिए उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए मैंने शादी कर ली। उस वक्त मौसमी मुश्किल से 18 साल की हुई होंगी। मौसमी चटर्जी का रिश्ता उनके पिता ने अपने पड़ोसी हेमंत कुमार के बेटे और उस वक्त के मशहूर संगीतकार जयंत मुखर्जी के साथ तय कर दिया। दोनों ने बिना देर किए सगाई कर ली। भले ही कहने को ये अरेंज मैरिज थी, लेकिन मौसमी को अपने पति से प्यार हो गया था। आपको बता दें कि उनके पति संजय मुखर्जी को प्यार से लोग बाबू कहते थे। शादी के बाद महज 18 साल की उम्र में मौसमी चटर्जी ने अपनी पहली बेटी पायल चटर्जी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उनको जन्म दिया था। मौसमी ने उस वक्त अपने करियर की ऊंचाइयों को छुआ ही था कि उनकी गोद में नन्ही पायल आ गई। कई लोग मौसमी के डूबते करियर का दोष कम उम्र में ही उनके बच्चों के जन्म को देते हैं। बॉलीवुड में अक्सर अभिनेत्रियां शादी के बाद फिल्मी दुनिया से दूरी बना लेती हैं। इसके बहुत कारण होते हैं, जिनमें से पति को उनकी वाइफ का फिल्मों में काम करने से आपत्ति होना भी होता है, लेकिन इस जगह मौसमी बहुत किस्मत वाली निकली और इस बात को वो कई इंटरव्यूज में कह चुकी हैं। एक इंटरव्यू में मौसमी ने कहा था, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ क्योंकि शादी के बाद मेरे पति व ससुर ने मुझे फिल्मों में काम करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मेरे स्किल्स को पहचाना और मुझे शादी के बाद भी काम करने की इजाजत दी। पति व ससुर के द्वारा लगाए गए पंखों के साथ मौसमी चटर्जी ने बॉलीवुड की ओर रुख किया। बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर शक्ति सामंत ने अपनी फिल्म अनुराग में मौसमी को कास्ट किया। इस फिल्म में उन्हें एक अंधी लड़की का किरदार दिया गया था, जिसे अपने हीरो से प्यार हो जाता है। ये फिल्म उस वक्त सुपरहिट साबित हुई थी। यही नहीं, मौसमी बेस्ट अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर अवार्ड में नॉमिनेटेड भी हुई थी। हालांकि शायद ही आपको पता होगा कि इस फिल्म के लिए पहले मौसमी ने मना कर दिया था। उन्हें लगा था कि वो बिना ट्रेनिंग के किसी अंधी लड़की का किरदार नहीं निभा पाएंगी, लेकिन मौसमी वाकई टैलेंटेड थी। उन्होंने बिना किसी ट्रेनिंग के एक अंधी लड़की का किरदार बखूबी निभाया। मौसमी ने बताया कि वो पहली बार बॉलीवुड के स्टूडियो पहुंचकर काफी एक्साइटेड थी और जिन्हें वो पर्दों पर देखा करती थी उन्हें वो असलियत में देखने के लिए बेताब थी। मौसमी चटर्जी ने अपने 1.5 दशक के करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपने करियर के दौरान सभी सुपरस्टार्स के साथ काम किया था।